हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 11 की छठवीं हेडिंग, कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां एवं असामान्य व्यवहार के बारे में। ध्यान समझिएगा, कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के बारे में और उसके असामान्य व्यवहार के बारे में। अन्य समूहों के प्रथम सदस्यों की तरह अन्य समूहों के प्रथम सदस्यों की भांति इस समूह का प्रथम सदस्य कार्बन जो है अपने समूह के अन्य सदस्यों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। अन्य समूहों के प्रथम सदस्यों की तरह इस समूह का भी प्रथम सदस्य कार्बन अपने समूह के अन्य सदस्यों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका छोटा आकार, उच्च विद्युत रात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी तथा डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कार्बन का छोटा आकार, उच्च विद्युत रात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी तथा डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा होता है। कार्बन में केवल यस तथा पी कक्षक ही बंधन के लिए उपलब्ध रहते हैं। कार्बन में केवल यस तथा पी कक्षक ही बंधन के लिए उपलब्ध होते हैं, अतः यह अपने चारों ओर केवल चार इलेक्ट्रॉन युग्म ही समायोजित कर सकता है। ठीक है, यही कारण है कि इसकी अधिकतर संयुक्तता जो है चार होती है, जबकि इस परिवार के अन्य सदस्य जो हैं डी कक्षक की उपलब्धता के कारण अपनी संयुक्तता में वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन में केवल यस तथा पी कक्षक ही बंधन के लिए उपलब्ध होते हैं, इनमें डी कक्षक होता नहीं है कार्बन में, अतः यह अपने चारों ओर केवल चार इलेक्ट्रॉन युग्म ही समायोजित कर सकता है। यही कारण है कि इसकी अधिकतम संयुक्तता चार होती है, जबकि अन्य सदस्य डी कक्षक की उपलब्धता के कारण अपनी संयुक्तता वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन में स्वयं से अथवा छोटे आकार एवं उच्च विद्युत रात्मकता वाले अन्य परमाणु से पी पाई बहु आबंध बनाने की यूनिक एबिलिटी होती है, अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन में स्वयं से अथवा छोटे आकार एवं उच्च विद्युत रात्मकता वाले अन्य परमाणु से पी पाई बहुबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन कार्बन तीन बंध, कार्बन कार्बन अकार्बन ऑक्सीजन दो बंध, कार्बन सल्फर दो बंध, कार्बन नाइट्रोजन तीन बंध, आज इसके कुछ उदाहरण हैं। इस समूह के उच्चतर सदस्य जो हैं पी पाई बंध नहीं बनाते हैं। इस समूह के उच्चतर सदस्य पी पाई बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि बड़े तथा विसरित परमाणु कक्षक होने के कारण इनमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं हो पाता है। ठीक है, इस समूह के उच्चतर सदस्य जो हैं पी पाई बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि बड़े तथा डिफ्यूज्ड विसरित परमाणु कक्षक होने के कारण इनमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं हो पाता है। ठीक है, कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की क्षमता होती है, प्रवृत्त होती है। कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं, किटेशनेशन कहते हैं। कार्बन कार्बन बंध अधिक मजबूत होने के कारण यह होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता हुआ आकार और घटती हुई विद्युत ऋणात्मकता के कारण श्रृंखलन की प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता हुआ आकार और घटती हुई विद्युत ऋणात्मकता के कारण श्रृंखलन की प्रवृत्ति जो है घटती जाती है। इसे बंध एंथैल्पी के मान से स्पष्ट समझा जा सकता है। समूह 14 में श्रृंखलन का क्रम जो होता है वह कार्बन > सिलिकन > जर्मेनियम संबंध स्टेनस होता है। लेड जो है श्रृंखलन नहीं दर्शाता है। श्रृंखलन तथा पी पाई बंध निर्माण के कारण कार्बन विभिन्न अपरूप दर्शाता है। ठीक है, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ
सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन कार्बन बंध अधिक मजबूत होने के कारण यह होता है कि कार्बन कार्बन बंध का अधिक मजबूत होने का कारण यह होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता हुआ आकार और घटती हुई विद्युत चालकता के कारण श्रृंखलन की प्रवृत्ति घटती जाती है। इसे बंद एंथैल्पी मान से स्पष्ट समझा जा सकता है। समूह 14 में श्रृंखलन का क्रम जो है वह कार्बन > सिलिकॉन > जर्मेनियम स्टेनस होता है। लेड श्रृंखलन नहीं दर्शाता है। श्रृंखलन तथा पी पाई बंध निर्माण कारण कार्बन विभिन्न अपरूप दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां और असामान्य व्यवहार के बारे में। थैंक यू।